सो हेलो बर्ड लवर्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है मेरे छोटे से यूट्यूब चैनल रॉयल बर्ड्स में। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग आपके लव बर्ड्स का प्यार लगा सकते हो। बहुत लोगों का ये सोचना होता है कि लव बर्ड का प्यार लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, वो बजिश जैसे नहीं होते, और तो ऐसा कोई भी बात नहीं दोस्तों। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे प्यार लगाया जाता है लव बर्ड्स का। तो दोस्तों, वीडियो में पूरा एकदम एंड तक बने रहिए और एक बार लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला ऑप्शन दबाकर ऑल पे सेट कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस मेरे चैनल पर लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो प्यार है, देखिए दोस्तों, एक लुटिनो और रोजी का है। तो ये भी प्यार लगाने के लिए यहाँ पर छोड़ा हुआ है। तो रिसेंटली मैंने एक प्यार रेडी कर लिया है, तो चलिए मैं दोस्तों आप लोगों को वो दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, यही वो प्यार है। यहाँ पर देखिए, एक रोजी ऑफलाइन है और एक इसका जो फीमेल है ये अंदर चला गया है, नॉर्मल रोजी है। तो कैसे मैंने प्यार लगाया है वो आप लोगों को मैं बताऊंगा वीडियो में आगे जाते आते। तो वीडियो में एकदम एंड तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि आपके मन मुताबिक एकदम अच्छा प्यार बने, जैसा आप चाहते हो कि इस मेल के साथ ये वाला फीमेल आप लोगों को प्यार लगाना है, अगर वो चाहते हो तो आप लोगों को कॉलोनी में उन्हें नहीं छोड़ना है। अगर कॉलोनी में छोड़ दोगे तो वो अपने जैसे प्यार ढूंढ लेंगे और ऐसे वैसे मतलब बेकार से प्यार भी लग सकता है। देखा जा सकता है कि एक लुटिनो के साथ एक रोजी का प्यार हो गया तो प्रॉब्लम आपको ही होगा। तो ऐसे में क्या करना है दोस्तों, आप लोगों को एक सेपरेट केज ले लेना है, जो ब्रीडिंग केज होता है। उसे लेने के बाद जो जो एक मेल और एक फीमेल को आइडेंटिफाई करके उन्हें अलग से केज में छोड़ देना। सो फ्रेंड्स, बर्ड तो आपने अलग कर दिया, अब क्या करना है आप लोगों को। सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों को एक नेस्ट के लिए जगह देना है। यहाँ पर देखिए, जैसा मेरे पास मटकी है या फिर आप जो नेस्ट बॉक्स होता है, नेस्टिंग के लिए बॉक्स होता है, ये देखिए इस टाइप का देखने को होता है, ये आप लोग यूज कर सकते हो। सके तो बर्ड्स को छोड़ने के पहले ही ये दे देना और भी अच्छा रहेगा। तो ये देने से आपके बर्ड्स जो है रोजी लव बर्ड या फिर जो भी लव बर्ड होता है ना, वो जब ब्रीडिंग के लिए रेडी होता है तो नेस्ट में जाते हैं। तो अगर दोनों अंदर जाएंगे और ये लोग प्यार लग जाएगा ऐसे ही, और जल्दी जल्दी ब्रीड भी करेंगे, आप लोगों का प्रोग्रेस भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा और बहुत जल्दी भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, नेस्ट का तो प्रॉब्लम हो गया, और अब आता है फूड और मेडिसिन के बाद। तो फूड में आप लोगों को अच्छे से फूड देना है, सीड मिक्स देना है, अच्छा अच्छा सनफ्लावर सीड देना है, कुसुम दाना देना है, मतलब बर्ड्स को रेडी कर देना है एकदम अच्छे से खिला दिला के ब्रीडिंग के लिए। और मेडिसिन की बात किया जाए तो विटामिन देना है, मैं तो हम वाइमिरल सजेस्ट करूंगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा होता है ब्रीडिंग के लिए, और वो देने से बर्ड्स बहुत जल्दी जल्दी एक भी देते हैं। और कैल्शियम देना पड़ेगा केज में, थोड़ा कटल फिश का बोन देना पड़ेगा, जो हम लोग समुद्र छैना बोलते हैं, वो भी दे सकते हो आप लोग, क्योंकि वो देने से बर्ड्स का कैल्शियम मिलेगा, और कैल्शियम मिलने से बर्ड का एक जो है एक स्ट्रांग होगा और मतलब फर्टाइल एक होगा पहले बार में ही। तो वो आप लोगों को कुछ चीज ध्यान में रखना है, बर्ड को पहले रेडी करना है खिला दुला के, समझ रहे हो, पहले बर्ड को ठीक ठाक रेडी करना है ब्रीडिंग के लिए, उसके बाद जो आप लोग कर सकते। बस नया प्यार का तो क्या करना है मैंने बोल दिया। और कभी कभी ऐसा केस होता है कि मानो मेरे पास ये वाला जो ऑफलाइन है, इसके साथ पहले एक लुटिनो का प्यार था, तो मैं वो प्यार जो है चेंज करना चाहता हूँ और इसके साथ एक ऑफलाइन का ही प्यार देना चाहता हूँ। तो इसमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, पहले तो इसके साथ जो फीमेल जो आप लोग प्यार देना चाहते हो उसे तो छोड़ना है, और ये बात ध्यान रखना है कि इसके साथ पहले जो फीमेल था वो इसके ये मतलब देख ना पाए उसे, कि मानो कि यहाँ पर जो ये है ऑफलाइन है और यहाँ पर मैंने उसका प्यार रख दिया, तो ये रोज वहाँ पे देखेगा और बर्ड भी बीमार हो जाएगा, खाएगा नहीं, हमेशा उस केज में ही जाने का कोशिश करेगा और इसके साथ तो प्यार लगेगा ही नहीं। तो ये ध्यान आप लोगों को दोस्तों रखना है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो ये भी खत्म करते हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाया है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट में जरूर बताना दोस्तों, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, क्योंकि जो न्यू वीडर्स होते हैं उनका शायद काम आएगा। और ऐसे दोस्तों सपोर्ट करते रहना दोस्तों, मेरा इंस्टाग्राम में 3K फॉलोअर्स हो गए हैं आप लोगों के सपोर्ट से ही, और भी सपोर्ट करते रहना। इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके जरूर फॉलो कर देना और एक बार मैसेज जरूर कर देना दोस्तों। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही था, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।